कक्षा एक विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हमारे देश के एक ऐसी इमारत के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारे देश का इतिहास बताता है। वह इमारत पूरे संसार में भी प्रसिद्ध है। आज हम प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उस प्रसिद्ध इमारत के विषय में पढ़ेंगे। वह प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल। आओ बच्चों, अब हम ताजमहल पाठ को पढ़ें और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, ताजमहल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। बच्चों, ताजमहल का नाम तो तुमने सुना ही है, तुम लोगों में से बहुतों ने देखा भी होगा। यह इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है स्थित अर्थात बना हुआ है। ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है। ताजमहल संसार की सुंदरतम मतलब जितने भी सुंदर इमारत है उनमें से सबसे सुंदर इमारत है और जो हमारे देश में है और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो की याद में करवाया था। तो बच्चों, इस भवन का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? मुगल शासक शाहजहां। और क्यों बनवाया था? क्योंकि वे अपनी प्रिय बेगम अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो को बहुत प्यार करते थे और उसी की याद में ताजमहल उसने बनवाया था। हाँ, उसे प्यार से मुमताज कहता था। शाहजहां उसे प्यार से मुमताज कहता था। इस परिच्छेद को मैं पुनः पढ़ रही हूँ बच्चों, और यहाँ ताजमहल का चित्र भी दिया गया है। देखते ही इतना सुंदर लगता है, पास से देखने से इसकी सुंदरता और ही होती है। बच्चों, ताजमहल का नाम आपने सुना ही होगा। यह इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो की याद में करवाया था। शाहजहां उसे प्यार से मुमताज कहता था। बच्चों, अभी हम इस परिच्छेद कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और कुछ शब्दों के शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। जैसे ताजमहल कठिन शब्द, ताजमहल इमारत, आगरा ना, विश्व सुंदरतम प्रसिद्ध। ये कठिन शब्द नोट्स में दिए जा रहे हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे और इसे दो दो बार नोट्स कॉपी में लिखेंगे।
अब हम इस परिच्छेद के कुछ शब्दों के शब्दार्थ जानेंगे। जैसे विश्व, विश्व का अर्थ है संसार। इमारत, इमारत का अर्थ है, अर्थात शब्दार्थ है विशाल भवन। विशाल का अर्थ होता है बड़ा और भवन घर, अर्थात बड़ा घर। तो इमारत का शब्दार्थ हुआ विशाल भवन। सुंदरतम, सबसे सुंदर। सुंदरतम मतलब सबसे सुंदर। इसका शब्दार्थ अति सुंदर भी हम लिख सकते हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का शब्दार्थ है विख्यात या मशहूर। प्रसिद्ध। शासक, शासक का शब्दार्थ होता है राजा। बच्चों, इस परिच्छेद को मैं पुनः पढ़ रही हूं। पाठ 22, ताजमहल। बच्चों, ताजमहल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह इमारत आगरा में यमुना नदी के किनारे। ताजमहल विश्व की सुंदरतम इमारतों में से एक है और पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो की याद में करवाया था। शाहजहां उसे प्यार से मुमताज कहता था। जो नोट्स दिया जा रहा है बच्चों, सभी बच्चे उसे लिखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।